मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव मिस्टर अगर अस्पतालों में दिखे तो तुरंत गिरफ्तार कर जेल भेजे। तारांकन। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक के बयान से मेडिकल एसोसिएशन में मचा हड़कंप। बता दें कि उत्तर प्रदेश उत्तराखंड मेडिकल एंड सेल्स एसोसिएशन ने उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक के नाम कलेक्टरेट पहुंचकर ज्ञापन दिया। ज्ञापन के माध्यम से बताया कि उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने फरुखाबाद के डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल में निरीक्षण के दौरान अपने बयान में कहा था कि अगर सरकारी अस्पतालों में मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव दिखाई दे तो उसको तत्काल गिरफ्तार करके मुकदमा पंजीकृत कर जेल भेजा जाए, जिसके विरोध में आज मेडिकल एवं सेल्स रिप्रेजेंटेटिव यूनियन ने जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन दिया और मांग की कि इस फैसले को रद्द किया जाए। खबर जगत के लिए बांदा से दिलीप जैन की रिपोर्ट। मेरा नाम आशुतोष खरे है। किस तरह की मांगों को लेकर के आप लोग हैं? मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव एसोसिएशन बांदा इकाई के सदस्य हैं सभी लोग, और हम लोगों की ये मांग है माननीय मुख्यमंत्री जी से, क्योंकि अभी हाल ही में फरुखाबाद में जो हमारे उप मुख्यमंत्री जी ब्रजेश पाठक जी ने एक बयान जारी किया था कि मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव को सरकारी अस्पताल में दिखें तो जेल भेज दिया जाए, अगर वो अस्पताल में दिखते हैं तो उनको जेल भेज दिया जाए। तो कुछ हमारे कानून हैं जो भारत सरकार ने हमको दिए, संविधान ने हमको दिए हैं, जैसे कि एसपी एक्ट है, सेल्फ प्रमोशन इंप्लाई एक्ट 1976, इसके अंतर्गत ये हमको अधिकार मिलता है कि हम लोग ऐसी किसी भी जगह जहां डॉक्टर प्रैक्टिस करते हैं वहां पे हम लोग जाकर के अपने प्रोडक्ट का प्रमोशन कर सकते हैं। ये हमको अधिकार संविधान ने हमको दिया है, तो उसके थ्रू हमारा जो केंद्र राज्य स्तरीय संगठन है यूपी में सारे, उसके द्वारा हम लोगों ने एक मेमोरेंडम जो हम लोग दे रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी को, जिलाधिकारी जी के माध्यम से, कि हमको इस तरह के किसी भी जो आदेश आते हैं उससे हम लोगों को रोका ना जाए, और हम लोगों को अनुमति प्रदान की है कि जहाँ भी डॉक्टर प्रैक्टिस करें, चाहे वो सरकारी संस्थान हो या निजी, वहाँ पे हम लोगों को ये अधिकार मिलेगी, हम लोग जाकर के अपने प्रोडक्ट का प्रमोशन कर पाएं। क्या आश्वासन मिला आप लोगों को? अभी तो हम लोगों ने मेमोरेंडम दिया है, उन्होंने बोला आश्वासन दिया है कि हम आपका जो मेमोरेंडम है वो हम माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रेषित कर देंगे। और एक और आपके माध्यम से हम संदेश देना चाहते हैं कि जो वहाँ सरकारी अस्पतालों में जो लोग वहाँ बैठ करके डॉक्टर के साथ बैठ करके जो दलाली करते हैं वो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव नहीं होते, वो खुद उनके द्वारा रखे गए लोग हैं जो अपनी खुद की कंपनी लेकर के आते हैं और वहाँ बैठ करके कमीशनबाजी करते हैं, उसमें कोई भी मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव इन्वॉल्व नहीं होता है। हमारा काम, हमारे पास ना समय ही नहीं होता कि हम वहाँ बैठ करके अपने घंटे दो घंटे ख़राब करें, क्योंकि पूरा दिन का हमारा जो शेड्यूल होता है वो हमें इतना अलाउ ही नहीं करता कि हम किसी डॉक्टर के यहाँ बैठें। ठीक।